हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेंसेस। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, वी विल गो देयर यस्टरडे। आपके पास 20 सेकंड है, आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है। चलिए तो देखते हैं, वी विल गो देयर यस्टरडे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? ये टाइम है, और यस्टरडे का मतलब हो गया पास्ट। ये पास्ट का टाइम लिखा हुआ है। बट अब अगर आप ये वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है विल गो, तो इसके हिसाब से ये क्या है? फ्यूचर है। तो आपको ये लग रहा होगा कि एक सेंटेंस पास्ट और फ्यूचर दोनों कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब इसको हमको क्या करना है? सही करना है। तो उसको सही करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप ये करिए कि यहाँ पे है फ्यूचर, वर्ब के हिसाब से ये सेंटेंस फ्यूचर है, तो आप इस टाइम को क्या करिए, फ्यूचर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लिखिए वी विल गो देयर यस्टरडे को लिख दीजिए टुमारो। ये है पहला तरीका सही करने का। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो टाइम है ये पास्ट का है, तो आप क्या करिए, वर्ब को क्या पास्ट में चेंज कर दीजिए। तो गो की पास्ट क्या होती है? वेंट। वेंट देयर यस्टरडे। तो ये हमने दोनों तरीकों से इसको सही कर दिया। बट इसमें से जो एक सही है एक गलत है, तो इसमें से जो पहला वाला है ये गलत है और दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आप ध्यान रखनी है आगे से, कि जो टेंस होते हैं ना, वो हमेशा टाइम के हिसाब से यूज किए जाते हैं। यानी ये एरो ध्यान रखिए, जो टाइम होता है उसके हिसाब से टेंस यूज किया जाता है। अगर मैं इसका उल्टा लिखूँ ये, तो ये गलत है, ये गलत है। टाइम के हिसाब से टेंस यूज करते हैं। यहाँ पे टाइम क्या था? पास्ट में था, तो आपका जो टेंस होना चाहिए, यानी आपकी जो वर्ब होनी चाहिए वो पास्ट की होनी चाहिए। यहाँ पे ये गलत है। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, थोड़ा और क्लियरिटी होगी आपको। जैसे लिखा हुआ है वी डैश देयर इन 2020, और आपको यहाँ पे भरना है, इसमें भरना है वर्ब। तो देखो, भरने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2020, और अभी क्या चल रहा है? 2022, 2022 चल रहा है। तो अगर कोई आदमी ये जो सेंटेंस है ये बोल रहा हो 2022 में, तो अगर कोई आदमी 2022 में सेंटेंस बोल रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए तो पास्ट हो गया, क्योंकि वो 2020 की बात कर रहा है कि मैं 2020 में वहाँ गया था। तो अगर उसके लिए पास्ट हो गया, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो पास्ट की वर्ब यूज होगी, वेंट। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेंस यानी वर्ब हमेशा लिखी जाती है टाइम के हिसाब से, तो टाइम जो है वह पास्ट का है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेंट आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये जो बात है जो बोली जा रही है, ये बात कोई आदमी बोल रहा हो 2018 में या 2019 में, तो उसके लिए तो 2020 क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो वर्ब भरी जाएगी वो भरी जाएगी विल गो। तो इसका मतलब यहाँ पे वेंट भी भर सकते हो और विल गो भी भर सकते हो। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा।